एंड 3, 2, 1। सो गाइस, मेरे पीछे खड़ी है द ब्रांड न्यू 2024 KTM ड्यूक 250 एंड यहाँ पे आपको एक ब्रांड न्यू पेंट्स की मिल जाती है इस मोटरसाइकिल में, जो दिखने में काफ़ी ज़्यादा कड़क है। पर उससे पहले जो हूँ, मैं स्पेशल थैंक्स कहना चाहूँगा KTM गोरेगांव वेस्ट एंड आशीष सर, जिन्होंने जो मुझे आज ये बाइक प्रोवाइड की आप तक पहुँचाने के लिए। शोरूम की सारी जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड इस मोटरसाइकिल की जो ऑन रोड कॉस्ट पड़ती है वो है 281,000 रुपीज़ मुंबई। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ इस मोटरसाइकिल का ब्रांड न्यू पेंट स्कीम। आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा कड़क है। यहाँ पे ना आपको डार्क नाइट वाली वाइब्स मिल जाएगी। अगर मैं आपको जूम इन करके ना बताऊँ, आपको ऐसा लगेगा कि डायरेक्ट मतलब बैटमैन के केव से बाहर निकली हुई है। सो यहाँ पे ना आपको मैट ब्लू फिनिश मिल जाता है, जो बहुत ही ज़्यादा एक शाइनी टोन दे देता है। यहाँ पे मैं आपको जूम इन करके बता दूँ एक बार, ये देखिए, दिस इज़ सो नाइस, सो प्रीमियम। और यहाँ पे ना आपको ये जो पैनल है, यहाँ पे आपको ग्लॉसी ब्लैक फिनिश मिलता है। ड्यूक जो रहेगा ऑरेंज में मिलेगा। एंड हल्के फुलके से ना यहाँ पे आपको ये ब्लू कलर के ग्राफिक्स मिल जाते हैं, जो दिखते नहीं है बट सनलाइट पड़ने पर आपको जो है डेफिनेटली दिखेंगे। ये देखिए आपको, वाओ ब्यूटीफुल। और हेडलाइट के यहाँ पे भी जो है आपको ब्लू कलर मिल जाती है। मैं कुछ ज़्यादा ही जूम इन कर गया। सो दिस इज़ द फ्रंट व्यू गाइस। यहाँ पे आपको LED लाइट्स मिलते हैं, यहाँ पे भी आपको ये ब्लू कलर मिल जाता है। मडगार्ड पे भी आपको मैट ब्लू मिल जाता है। व्हील्स पे जो रहेगा आपको मिलेगा यहाँ पे ऑरेंज कलर। बाकी ओवरऑल द बाइक इज़ द सेम। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता हूँ, मैं फटाक से अपने मोटर ब्लॉग में घुसता हूँ और आपको बताऊँगा कि ये मोटरसाइकिल चलने में है कैसी। तो आप लोग मुझे ज़रूर से बताएगा कि आपको ये कलर कैसा लग रहा है। और अभी मैं एक काम करता हूँ, मैं घुसता हूँ अपने मोटर ब्लॉग के सेटअप में एंड लेट्स सी ये बाइक चलने में है कैसी। मैं ऑलरेडी इस बाइक को रिव्यू कर चुका हूँ, बट फिर भी और एक बार हो जाए इसलिए कलर के साथ, लेट्स डू दिस। सो गाइस, मैं आ चुका हूँ अपने मोटो व्लॉग के सेटअप में और ये रहा मेरे गोप्रो का स्क्रू और ये रही बाइक की चाबी, हैशटैग खुशियों की चाबी इन द चैट। तुरंत बैठेंगे बाइक में, चलिए बैठते हैं बाइक पे। जय श्री राम, क्या बात है। सो गाइस, मेरे एरिया में ना ये सब चलते ही रहते हैं। कैमरा जब कभी भी ऑन करता हूँ मैं यहाँ पे इस एरिया में, जबकि बहुत अच्छा एरिया, बट लोग ताड़ते रहते हैं। एनीवेज, सुन लेते एग्जॉस्ट नोट। क्या बात है, चलो ऑलराइट। पावर तुरंत से फील होने लग जाता है। तो सबसे पहले बात करेंगे मोटरसाइकिल के कंफर्ट को लेकर। भाई यहाँ पे KTM ने एक चीज़ कर दी है, सीट हाइट को जो एकदम कम कर दिया है। तो अगर आपकी हाइट 5.5 या उससे भी कम है, फिर भी आसानी से मैनेज हो जाता है इस मोटरसाइकिल में। मेरी जो हाइट है वही 5'10", मेरे दोनों पांव इस मोटरसाइकिल में नीचे टिक जाते हैं, ठीक है। और टैंक जो है ये 15 लीटर की टैंक, काफ़ी ज़्यादा बल्कि लगती है, रियलिटी में छोटी लगती है, पर जब इस पर बैठते हो तो ये जो पैनल है और ये जो पूरा है इसका बहुत ज़्यादा बल्कि लगता है। तो आपके पाँव ना ऐसे ऑटोमेटिकली खुले हुए रहेंगे। हैंडल बार्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा वाइड है और आपको विंड ब्लास्ट ज़रूर से लगती है। आपको हल्का सा मुझे ऐसा लगता है कि वो ग्रिपिंग के लिए 1-2% आगे झुकने की ज़रूरत पड़ती है। बाकी ओवरऑल मैं बोल सकता हूँ इट इज़ अ कम्फर्टेबल सिटिंग पोजिशन। बट एक बात माननी पड़ेगी, ये जो पावर देती है 31 PS ऑफ पावर एंड आई थिंक 28 या 27 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क, इट इज़ मोर देन इनफ। इससे ज़्यादा आपको पावर की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। और माय गॉड, इस मोटरसाइकिल का पिकअप काफ़ी ज़्यादा कड़क है। मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ, ये देखिए। और क्विक शिफ्टर क्या कमाल का काम करता है। आपको ना एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा, मैं ना नीचे नहीं देख सकता बिकॉज ये गाड़ी ना पावर बहुत जल्दी से पकड़ लेती है। तो आपको ना इस गाड़ी को थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा, वरना आपके रास्ते लग सकते हैं, बिकॉज इट इज़ इनसेन पावर। मतलब ये घोड़ा छूटते ही भागना शुरू कर देगा। आपको इसको कंट्रोल तो 110% करना पड़ेगा। इट इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट एंड द फाइनेस्ट इंजन्स, LC4C इंजन यहाँ पर आपको मिलता है। और यस, इट इज़ गुड रिफाइनमेंट लेवल्स और पॉइंट वाइब्रेशन ना आपको थोड़े बहुत फुटपैक्स पे लगते हैं, थोड़े बहुत हैंडल बार्स पे लगते हैं, बाकी ओवरऑल इतने खास नहीं है। हायर रेंज पे तो ऑब्वियसली लगते ही है। ये देखिए, मतलब आपके आजू बाजू के लोग ना आपको लगेंगे कि कुछ ज़्यादा ही स्लो है, बट जबकि आप कुछ ज़्यादा ही फास्ट हो, तो ये समझ के चलाइएगा। बहुत माइनर सा ये चीज़ है, पर आप समझ के चलाइएगा। और क्विक शिफ्टर, भाई साहब क्विक शिफ्टर कमाल का काम करता है। अभी मैं थर्ड गियर में हूँ, ये देखिए ऑटो फ्लिपर,
ये थर्ड, फोर्थ, ओह माय गॉड भाई काफी सारा कड़क, क्या बाइक बनाई है यार, मतलब मुझे तो मजा आ गया। और अभी आ जाते इसकी ब्रेक्स पे, यार ये बाइक है कि सुपरमैन है समझ में नहीं आ रहा है भाई। फ्रंट ब्रेक्स जो है बहुत ही अच्छा सा फीडबैक मुझे दे रही है, स्टॉपिंग पावर इज वेरी 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 टफ, यहाँ पे आपको राइड बाय वायर मिलता है। और रेयर ब्रेक की अगर बात करूँ भाई, रेयर ब्रेक इज़ ऑल्सो ऑन द स्ट्रॉगर साइड, बट आप समझ ही सकते हो फ्रंट ब्रेक जितना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, बट इट इज़ स्ट्रॉन्ग। और आपको इस मोटरसाइकिल से ना ऑलमोस्ट 28 के आसपास माइलेज मिल जाएगी, इन सिटी एंड हाईवे पे आप 30 एक्सपेक्ट कर सकते हो। और क्या हैंडलिंग है इस मोटरसाइकिल का, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है यार, ये पीछे देख रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा कमाल का इसका जो है हैंडलिंग है, बहुत ही इजी टू गो हैंडलिंग है, बाइक का वेट ज़्यादा फील नहीं होता है, और काफ़ी ज़्यादा रोड को चिपक के चलती है ये मोटरसाइकिल। ये मैं बोल सकता हूँ अगर आप ट्रैफिक में इसको मास्टर कर लोगे ना, तो इसके जैसा आपको मोटरसाइकिल नहीं मिलेगा, ट्रैफिक तो कट के ये ले लेगा अपने, मतलब ट्रैफिक को काट के आगे लेके जाएगा। मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, एक्साइटमेंट इतना कभी कभी बढ़ जाता है, एड्रेनल रश कि मैं ना फंबल मारने लगता हूँ, बट ये बाइक है ही ऐसी। और आगे की LED लाइट्स, वाह वाह वाह, रिक्शा में देखिए आप क्या बात है। तो ये रिव्यू ना गाइस, मैं एकदम ही शॉर्ट एंड स्वीट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, टू द पॉइंट, मतलब आपका ज़्यादा टाइम पास ना हो, मेरा भी ना हो, और आपका काम भी हो जाए, मेरा भी काम हो जाए, ठीक है। एक तीर से दो निशान, यस। मैं आ चुका हूँ ट्रैफिक सिनेरियो में। ये देखिए, मैं इसकी बात कर रहा था, अगर आपको बाइक चलाना एक्सपीरियंस है और आप यू नो ये बाइक खरीदते हो, तो आपको आने वाली है मज़ा। मुझे मैं चाहता हूँ कि ये बाइक को ना आप ट्रैफिक में एक्सपीरियंस करो, ना कि हाईवे वगैरह पे, वहाँ पे तो परफॉर्म करेगी, बट ये जो ट्रैफिक वाला सीन है ना, काफ़ी ज़्यादा कड़क है यार। और क्या कट करती है यार, बहुत अच्छे से। हॉर्न थोड़ा लाउड हो सकता था। और यहाँ पे आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, गियर पोजीशन इंडिकेटर, RPM, टाइम, ट्रिप, एवरेज स्पीड, एवरेज कौन, टाइम, अपना कौन सा रेयर ABS ऑफ, अच्छा मेरा रेयर ABS ऑफ है, कितने किलोमीटर चली है, स्पीड, और बाकी सारी की सारी चीज़ें जो आप यहाँ से भी टॉगल कर सकते हो इस डिस्प्ले से। एंड यहाँ पे आपको नेविगेशन मिल जाएगा, फ़ोन कॉल अलर्ट्स मिल जाएंगे, आप चाहो तो लैप टाइमर भी सेट कर सकते हो, और आप अपना म्यूज़िक भी जो है यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। सारी सुविधा दी गई हुई है यार इसका, ये मतलब ये सब छोड़ो, ये क्या अंदर इसमें दिया, इसके पावर के साथ आप मतलब यू नो ये हो जाओ, मज़ा आ गया यार, मज़ा आ गया। ओह माय गॉड, मतलब पहली बार, मतलब है ना, मज़ा आ गया, मेरे को चला गया। ऑलराइट गाइस, तो ये था रिव्यू ऑन द KTM ड्यूक 250, द ब्रांड न्यू कलर, और काफ़ी ज़्यादा आई बॉल्स भी मिल जाते हैं आपको, न्यूट्रल में जा है ना। आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट 250, द मोस्ट पावरफुल 250 CCs यू कैन बाय राइट नाउ, और ये कलर मैं आपको रेकमेंड करता हूँ, बिकॉज क्या है ना, KTM इज़ नोन फॉर इज ऑरेंज कलर, बट यहाँ पे KTM ने पासा पलट दिया है, पूरा डार्क नाइट इफेक्ट दे दिया है, हल्के फुल्के से ऑरेंज इफेक्ट से ज़्यादा है नहीं। दिस इज़ अ रेकमेंडेड कलर एंड अ रेकमेंडेड बाइक, आप जानते हो मैं अगर रेकमेंडेशन देता हूँ तो, अगर मुझे ऐसा लगता है तो ही मैं देता हूँ मेरे व्लॉग के एंड में, जस्ट गो फॉर इट गाइस, आपको मज़ा आ जाएगी। और अगर आप लोगों के पास मेरे लिए कोई सवाल है तो प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में पूछिएगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग गाइस, थैंक यू सो मच।